मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम हमारा कक्षा आठ के अंदर जो पॉइंट चल रहा है, प्री क्वेश्चन चौथा चैप्टर, उनमें हम पढ़ रहे हैं अलोंग और अक्रॉस। उसके बाद में बाई और थ्रो दो और पढ़ते थे, इस पॉइंट को हम पूरा करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए और जल्दी से इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से शुरुआत से अंत तक देखें, सुने, समझें और जो चीज़ नहीं समझ आ रही उसको नोट करें। यह अलोंग और अक्रॉस। अलोंग का मतलब होता है सहायक सतह, किनारे किनारे, और अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, उस पार। जैसे एक खेत है, उस खेत के हम किनारे किनारे चल रहे हैं, एक सड़क के किनारे किनारे चल रहे हैं तो आता है, एक साइड हम अपनी दिशा में चल रहे हैं तो आता है अलोंग। लंबाई की दिशा में एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक रेखा हमें और गति दर्शाने में, जैसे रोड किनारे किनारे चल रहे हैं तो क्या आता है? अलोंग आता है। अगर हम रोड को पार करते हैं, नदी के ऊपर पुल बना हुआ उसको पार करते हैं, किसी के घर जाने के लिए हम सड़क को, नदी को, खेत को पार करते हैं, आर पार या उस पार, तो उसके लिए क्या आता है? अक्रॉस आता है। तो ही वाज वाचिंग, ही मन में वाज वाचिंग मन चल रहा था अलोंग द रोड, अर्थात सड़क के किनारे किनारे सहारे सहारे चल रहा था। देर आर मैनी ट्रीज ऑन बोथ साइड आर अलोंग द रोड। सड़क के दोनों साइड में, किनारे किनारे में और बहुत सारे पेड़ ट्रीज व्यू अलोंग द रिवर बैंक। ट्री मान पेड़, व्यू मान पेड़ में अलोंग मान किनारे किनारे सारे सारे द रिवर बैंक। रिवर मान नदी, या बैंक का मतलब होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। यहाँ रोड के किनारे किनारे, सड़क के किनारे किनारे और नदी के किनारे किनारे वृक्ष। तो इस ऐसे वाक्यों के अंदर किसका प्रयोग होता है? अलोंग का। अक्रॉस का, अक्रॉस है इसका ठीक विपरीत। क्या? किसी चीज से दूसरी तरफ। शी लिव्स अक्रॉस द रिवर। शी मानव है, विद्वान रहती है, अक्रॉस वन उस पार का रिवर, वह नदी के उस पार रहती है। उसके बाद आता है द चीपोर रन मान गोरा। अक्रॉस का खेत से उस पार, खेत से होकर उस पार नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए उन्होंने एक और पुल का निर्माण किया है। तो ये था अक्रॉस और अलोंग है प्रीपोजिशन, जो इम्पोर्टेंट है। और साथ इसकी खास बात यह है कि ये ज्यादा लंबे इनके नियम वगैरह नहीं है। बस वाक्य में देखो कि कोई अगर उस पार इस पार की बात कर रहा है तो आपको अक्रॉस बनना है, और एक ही दिशा में किसी के चलने की, किसी के होने की, पेड़ पौधे स्थित होने की बात कही गई है, तो उसके लिए आपको अलोंग का प्रयोग करना है। उसके बाद हम आगे लेते हैं थ्रो। अब अपना आता है थ्रो। थ्रो का मतलब क्या होता है? से होकर गुजरना। क्या होता है? से होकर गुजरना। अगला भागना, देखना, ये सब क्या है? थ्रो। इसका मतलब है से होकर
देखना, आना, जाना, गुजरना। अगर वाक्य में ये सब अर्थ दे रहे हैं तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? थ्रो आएगा। अब हम इस पर दो चार पांच वाक्य बनाते हैं जिससे एक शो हो जाएगा कि इसमें थ्रो का प्रयोग हुआ है। जैसे he walked, T-H-R-O-U-G-H, drove. T-H-R-O-U-G-H, drove the forest. He was a workman, the forest, the jungle, से होकर चला। जिस प्रकार एक आप हिंदुस्तानी का वाक्य सुना होगा, टू फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रो ए फॉरेस्ट, दो मित्र है वो एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। पासिंग के बाद में आया है थ्रो, से होकर गुजरना। तो दूसरा है सम अरेस्ट कम और What is the
टाइम परेशान योर वास्तव क्या है बने। इसका मतलब होता है तुम्हारी घड़ी के द्वारा तुम्हारी घड़ी में क्या बता है कितना सुबह हुआ है। तो अगला उत्तर देगा इट इज फाइव o'clock Pakistan by on my watch। ये था घड़ी का समय है उसने बताने के बाद। अब अगला है उसके बाद में क्या आता है जैसे किसी वाहन के अंदर इस तरीके का एक वाक्य होता है क्या कि जब कोई कार्य किसी के द्वारा किया जाता है उसमें हम बाई का प्रयोग करते हैं। ये कार्य किसके द्वारा हुआ है उसका कर्ता बताने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं कि ये कार्य है वो किसके द्वारा किया गया है। तो ये है बाई उसके। अब दूसरा आता है निकट या पास या पास का भाव प्रकट करने के अर्थ में जैसे राम दे रहा है पास निकटता का भाव से। तो मुख्य मुख्य रूप से ये आपके थे बाई के प्रयोग। इनसे अलग बाई के देखो प्रयोग बहुत है। जैसे हम कोई कार्य करते तो अगला पूछे जाइए तुम्हारा कार्य कब तक समाप्त हो जाएगा तो हमने कहेंगे 5 बजे तक है संजय तक मंडे तक है। तो
वो क्या है? निर्दिष्ट समय। क्या होता है? क्या है? निर्दिष्ट समय से पहले बाइक क्या ही मिले अराइव बाय ही माने बिन अराइव पहुंच जाएगा जर्मनी यहां बाय फाइव ऑफ अर्थात इसका मतलब होता है तब एक समय सीमा दी है उसका तय पहुंच जाएगा। इसके बाद में आई शेयर प्लीज माय वर्क बाय क्या है मंडे अर्थात मैं मेरा कार्य है वो सोमवार तक समाप्त कर दूंगा। अब यहां पर बाय किसका दे रहा है तक का दे रहा है तो थरो हो गए ये बाइक हो गया और पास के अर्थ में यातायात के अर्थ में आदि तो वैसे बहुत सारे हैं लेकिन आज के लिए सिर्फ इतने ही बताऊंगा मैं। ज़्यादा तो थोड़ा क्या वीडियो माला लंबा हो जाएगा इसलिए वीडियो को थोड़ा संक्षिप्त रखने के लिए और हम इसको संक्षिप्त में ही पढ़ेंगे। जितनी आज के मोस्ट चीज थी वो मैंने बता दी। अब आइए हम अपनी किताबें से पांच सात रोजाना वर्ग पढ़ेंगे। क्या वर्ग है? वो आप वर्ग दिखाई देगी और उस वर्ग को आप क्रम से थोड़ा याद कर लेते तो रफ कॉपी के अंदर या आपका जो होमवर्क की कॉपी है उसके अंदर जरूर लिखते रहना। क्या जैसे शुरुआत का क्रम है बी ई जी आई एन यह बिगिन बिगिन का मतलब होता है आरंभ करना। दूसरा है ब्रीफ डी आर आई एन। तीसरा है सिंग इसका मतलब पीना इसका मतलब है गाना। फिर है स्वीम स्वीम का मतलब होता है तैरना और एक होता है आर आई एन जी रिंग रिंग माने बजना। क्या गणती किसे संबंधित है? तो कितने हो गए? एक दो तीन चार पांच लोग हो गए। एक और लेते हैं इसमें स्प्रिंग एस पी आर आई एन। चलो पांच लोग एक दो तीन चार पांच। अगर आप रोजाना पांच बार भी व्यायाम करते हैं तो भी काफी हो जाती है पांच बरब के हिसाब से रोजाना पांच। तो ये तो है इसके फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म। यहां पर लिखने के सेकंड को यहां पर लिखेंगे इसकी फर्स्ट तो बिगे की सेकंड पर क्या होते हैं बी ई जी आई का एक दो। अब इसके एक दो एक दो एक दो ज्यादा आई है उसका एक दो तो ड्रिंक है डी आर ए एन के फिर सी है तो एस ए एन के स्वीम है तो एस डब्ल्यू ए एन उसके बाद रिंग है तो आर ए एन जी। क्या हो गया? हमने इसमें क्या बदलाव किया है? देखो थोड़ा दिमाग लगाओ ताकि याद कम करना पड़े। आई का ए 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 फैस
फॉर्म में आई होता है तो उसका सेकंड फॉर्म बनाते हैं तब लगभग हम 100% तो नहीं कह सकते लगभग क्या हो जाता है ये हो जाता है, लेकिन उसी की जब हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं कौन सा फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो उसका यू कर दो ए का ए का क्या करेंगे यू करेंगे जैसे बी ई जी यू एन फिर डी आर यू एन ए ड्रन एस यू एन ए एस यू एन जी संघ उसके बाद में स्वाम एस डब्ल्यू यू एन और फिर आर यू एन ये हो एक दो तीन चार पांच ये हमारे पांच वर्ड हो गए तो सभी बच्चे हैं आज से हम कंटिन्यू रेगुलरिटी के हिसाब से रोजाना पांच पांच वर्ब है वो कोई ढंग से एग्जाम में कोई भी पढ़े फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़े डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े एक्टिव पैसिव पढ़े कुछ भी हिम क्यों न पढ़े लेकिन ये जो रोजाना के पांच वर्ब है वो हम हैं और से और जरूर शुरुआत करेंगे और याद करना शुरू करेंगे आप उनको लिखिए याद कीजिए पहले भी मैंने लिखा है उनमें से किसी गलती आपने याद कर लिया अच्छी बात है लेकिन अब हम रेगुलर के हिसाब से आपको शुरुआत कर रहा हूँ तो इसी के साथ हमारा ऑनलाइन प्रिपोजिशन का जो क्लास है वो पूरी होती है नेक्स्ट वीडियो में हमें आपका पर जो फ्रेमिंग क्वेश्चन चल रहा है उसके बारे में और पढ़ेंगे कि फ्रेमिंग क्वेश्चन क्या है किस तरीके का कैसे बनता है तब तक के लिए आप इस ऑनलाइन वीडियो को शुरुआत से अंत तक अच्छी तरीके से देखें सुने समझें और हर चीज़ को नोट कर करके और याद करते रहिए तब तक विद्यालय नहीं खुलता है तब तक और घर पे रहें स्वस्थ रहें धन्यवाद।